नो जीपीयू बाइंग स्टील एमएसआरपी। जब तक ये एबी ब्रांड्स एमएसआरपी पे ना दे तब तक आप मत खरीदो। कुछ सेलर्स आपको ये भी डराएंगे यार प्राइस बढ़ने वाला है, भैया ये रेट में मिले तो खरीदना नहीं तो थोड़ा दिन वेट करके खरीदना। प्राइस बढ़ने नहीं है, 99% प्राइस ड्रॉप होंगे। प्राइस ड्रॉप हुए हैं लेकिन ये ड्रॉप नहीं बोल सकते, ड्रॉप किसको बोलेंगे, एमएसआरपी से नीचे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। गाइस बैंगलोर में अभी बारिश गिर रही है और लिटरली समर्स में बारिश हो रही है, वेदर बहुत अलग हो गया। तो खैर छोड़ो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस सुपर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के ग्राफिक कार्ड के प्राइजेस। यस प्राइजेस ड्रॉप हुई है और हम लोग ये वीडियो में सुपर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के सारे ग्राफिक कार्ड चेक करेंगे एमएसआरपी पे आई है कि नहीं, तो ये भी देखेंगे एएमडी एनवीडिया और जो इंटेल के ग्राफिक कार्ड आने वाले उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कभी आने वाले हो इंटेल के ग्राफिक कार्ड। तो ये वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले, तो चलो आते हैं सुपर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स में और देखते हैं ग्राफिक कार्ड के क्या प्राइजेस चालू है। ओके तो किशन सर, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइजेस। लास्ट मंथ में मैं आया था आपके पास, बनाया था ग्राफिक कार्ड के वीडियो, वो टाइम पे प्राइजेस कुछ अलग थे, अभी सिनेरियो तो बहुत ही अलग हो गया है, प्राइजेस बहुत ही ड्रास्टिकली गिरे हैं। तो कैसा चल रहा है अभी ग्राफिक कार्ड का प्राइजेस? तो ओमकार भैया मैं बताता हूँ, एक गाना इस टाइम को देखते हुए याद आता है कि मैंने किस्मत बदलते हुए देखा और रब बदलते हुए और मेरे अपने बदलते हुए देखे। तो ग्राफिक कार्ड वाले अपने थे वो सब बदल गए थे। कुछ महीनों पहले हमको औकात दिखा दी थी एनवीडिया वालों ने, या बोलो ये ए बी ब्रांड्स बोलो, सबने औकात दिखा दी थी, चाहिए तो जक मरा के ले। जक मरा के मतलब क्या होता है, आपको जरूरत है तो लेना ही पड़ेगा। सो वो हमारे से ऐसे बात कर रहे थे, उनको गेमर्स ने उनकी औकात दिखाने के लिए वापस परचेजिंग कम किया और क्रिप्टो का क्रैश हुआ ही है, उसका तो बर्बादी हो ही रहा है या बढ़ी रहा है, उसको हम नहीं लेंगे इस वीडियो में कंसिडर। हालांकि क्रिप्टो के ऊपर काफी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो के प्राइजेस हाइक होंगे क्यों वर्ल्ड वाइड के न्यूज आते हैं, लेकिन मैं आपको प्योरली बता रहा हूँ, मेरा काम है सेल्स पर्सन हूँ, शॉप का ओनर भी हूँ या जो भी हूँ, ग्राफिक कार्ड बेचना या कुछ प्रोडक्ट बेचना मेरा काम है, उससे मुझे रेवेन्यू मिलता है। मेरा काम प्योरली रहता है कि कस्टमर को सोल्यूशन देना, इवन वो माइनिंग के लिए आए या गेमिंग के लिए या कुछ भी प्रोडक्ट के लिए आए। कुछ सेलर बोलते हैं हम माइनिंग को सपोर्ट नहीं करते, सभी झूठ बोलते हैं, स्पेशली मैं आपको उनके लिए सलामी दूंगा कि यार आप ऐसा झूठ तो मत बोलो, पैसों के लिए आप भी काम करते हो, मैं भी काम करता हूँ, इवन जो वीडियो बना रहे हैं या देख रहे हैं या यूट्यूब वाले भी पैसों के लिए ही काम करते हैं। सो फाइनली एक ही आंसर रहेगा, एवरीथिंग मनी मेक्स। सो ये मनी के कारण पूरा ये झल्ला हुआ है। तो मार्केट के अंदर 5 दिनों से या 7 दिनों से इस ब्रांड ने मींस आसूस ब्रांड ने पूरा हा हल्ला मचाया है। थैंक यू सो मच आसूस और बाकी आसूस और कलरफुल, आसूस कलरफुल दोनों एक ही जैसे है, तो सभी ब्रांड्स को लाइन पे लगा दिया। आई थिंक आने वाले दिनों में कुछ प्राइस ड्रॉप हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में जो भी मैं प्राइसेस बताऊंगा आई थिंक जब तक स्टॉक है 2-4 दिन 5 दिन तक वैलिड रहेंगे, और भी मैं बताऊंगा प्राइस बढ़ने नहीं है। शॉर्टेज हो गया, किस्मत खराब है वो 1% है प्राइस बढ़ने का, 99% प्राइस ड्रॉप होंगे। और एक और भी मैं बताऊंगा वीडियो में प्राइस बताने से पहले, प्लीज कमेंट में जो भी बताना नो जीपीयू बाइंग स्टील एमएसआरपी। जब तक ये एबी ब्रांड्स एमएसआरपी पे ना दे तब तक आप मत खरीदो करके मैं भी बोल रहा हूँ। अगर आपको जरूरत है, आपका वर्क रुका हुआ है, आपका गेम खेलना या कुछ भी है, तभी आप ग्राफिक कार्ड खरीदे, नहीं तो थोड़े दिन के लिए एबी ब्रांड्स या जो भी ब्रांड्स है उनको अपनी प्राइस पॉइंट को करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा उनको सोचने के लिए टाइम दीजिए और प्राइस ड्रॉप करने के लिए उनको मोटिवेट करिए कि आप ग्राफिक कार्ड मत खरीदिए। कोई भी सेलर आज तक कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे भी दुख होता है कोई 10,000 की चीज को यार 20,000 में बेचने के लिए। हालांकि भैया मेरा मार्जिन फिक्स है, मैं पहले भी उतना ही कमाता था, हालांकि क्रिप्टो माइनिंग के बाद में मेरा सेल ड्रॉप हुआ है। क्यों? मेरा मेन कोर बिजनेस जो था गेमिंग पीसीज का था, मेन मैं 15-20 गेमिंग पीसीज एवरी डे हंसते हंसते 2-1.5 साल पहले बनाता था। इवन मैं लॉकडाउन के मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी पोस्ट किया हूँ, लॉकडाउन के अंदर यार सुबह से शाम तक मेरे को खाना खाने तक टाइम नहीं रहता था, वेयर हाउस से पूरे बिल्ड में बना के बैंगलोर के कोने कोने और ऑल ओवर इंडिया शिप कर रहे थे। मींस एक दिन के 40-40 पीसी 30-30 पीसी पर डे हमारा शिपिंग हो रहा था। उसको बोलते बिजनेस। अभी एक कस्टमर ने 40 ग्राफिक कार्ड ले लिया तो बाकी 40 मदरबोर्ड 40 प्रोसेसर अटक गया, मेरा कोर बिजनेस थोड़ी ना है। इवन प्रॉफिट मिलता है लेकिन बिजनेस के एथिक्स मेरे मानते नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यार मैंने माइनिंग के लिए ग्राफिक कार्ड नहीं सेल करता हूँ, मैं सेल करता हूँ, लेकिन ए बी ब्रांड्स एनवीडिया प्लीज आप सप्लाई ज्यादा करो, प्राइस कंसिस्टेंटली रखो ताकि मैं कस्टमर्स को दे पाऊँ। तो सर अभी चालू करते हैं ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस पे, तो अभी कैसा चल रहा है ग्राफिक कार्ड का प्राइसेस? सर देखिए थोड़े बहुत प्राइस ड्रॉप हुए हैं लेकिन ये ड्रॉप नहीं बोल सकते, ड्रॉप किसको बोलेंगे, एमएसआरपी से नीचे। सब बोल रहे हैं एमएसआरपी पे ग्राफिक कार्ड के प्राइस चाहिए। एमएसआरपी का मतलब क्या होता है शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में, सबसे महंगा भाव, मतलब मैक्सिमम रिटेल सेलिंग प्राइस, मतलब एमएसआरपी जिसको बोलते हैं कुछ लोग एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी तो रहता है 30,000, एमएसआरपी रहता है 25,000, मतलब इतना तो है मैक्सिमम एमआरपी और मैक्सिमम सेलिंग रिटेल प्राइस रहता है 25,000, लेकिन उससे भी नीचे आने चाहिए ताकि आपको खरीदने में मजा आए और हमारे को बेचने
बेचने में मजा आए और हर गेमर जो 50,000, 60,000 या 5 लाख तक का भी बिल्ड करे उसके मुंह से खरीदते वक्त हंसी आए। ओके सो सर, चालू करते हुए ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस से, तो स्टार्टिंग में बेसिक ग्राफिक कार्ड देखेंगे, बेसिक ग्राफिक कार्ड से 30 सीरीज पे जाएंगे, तो बेसिक ग्राफिक कार्ड के क्या प्राइसेस चालू है? देखिए अभी 3060 ग्राफिक कार्ड है, बेसिकली देखिए 5-6 ब्रांड लीडिंग ब्रांड है, मैं आपको हर ब्रांड का प्राइसेस बताऊंगा, इवन कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट मेरे पास रेडीली स्टॉक है वो भी बताऊंगा। जैसे कि कलरफुल एक बेसिक ब्रांड है, मतलब कोर बिजनेस कलरफुल से एनवीडिया स्टार्ट करता है, कलरफुल इनो 3D जोटेक गैलेक्स MSI गीगाबाइट आसूस ऐसा प्रीमियम जाता है। कलरफुल का 3060 ग्राफिक कार्ड, ये जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ ना सिंगल ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस है, अगर आप पूरा बिल्ड करते हो प्लीज आप ये नोट में बता देना, ये ओनली ग्राफिक कार्ड लेने पे प्राइस है। अगर आप सिंगल ग्राफिक कार्ड लेते हो पूरा बिल्ड खरीदते हो तो आपको 2 से लेकर 5,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि 3060 के अंदर 2,000 रुपए, 3070 के अंदर आपको 3,000 रुपए, 3080 के अंदर 4,000 और 3090 के बिल्ड के अंदर 5,000 रुपए आपको मिलता है। भैया अगर आप 3060 आज के डेट के हिसाब से अगर खाली ग्राफिक कार्ड खरीदोगे, मिनिमम जो ग्राफिक कार्ड है आपको कलरफुल बेटालेक्स या फिर गैलेक्स वगैरह ब्रांड के अंदर 38,499 मतलब 38,500 के अंदर मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर पूरा पीसी का स्पेशल डिस्काउंट मैंने बोल ही दिया था। नेक्स्ट आता है उनका आई गेम करके मॉडल है, आई गेम के अंदर क्या होता है कि 3 फैन रहता है, व्हाइट कलर का डिजाइन रहता है, 42,500 के अंदर मिलता है। और इसका ऊपर जाओगे इनो 3D के अंदर मिलेगा जो 2X करके बोलता है। इनो 3D का मैं आपको आइडियली ग्राफिक कार्ड बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए आपको ये वाला रहता है इनो 3D का, 3050 अगर आप लेते हो या 3060 कोई भी रहते हो, बेस जो ग्राफिक कार्ड रहता है इनो 3D का ऐसा रहता है जो आपको प्राइस रहता है 40,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ओनली ग्राफिक कार्ड का। इसके अंदर सबसे अच्छा वाला मॉडल है आई चिल करके मॉडल आता है, आई चिल ग्राफिक कार्ड अगर आप लेते हो 44,990 रुपीज के अंदर आता है। नेक्स्ट जो ग्राफिक कार्ड रहेगा आपका गैलेक्स का रहेगा, गैलेक्स का हालांकि काफी स्टॉक कम किया हुआ है, रीजन मैं बताऊंगा। गैलेक्स का रहने दो या गीगाबाइट का रहने दो, आज के डेट में जो भी सेलर स्टॉक होल्ड करता है वो गलत है, वो आपको नुकसान देगा। इसलिए आप देख सकते हो मेरे दुकान के अंदर मैक्सिमम 100 ग्राफिक कार्ड है, इवन हर टाइम ओमकार भाई आप आते थे 700 से 800 ग्राफिक कार्ड रहते थे, मतलब मैंने 70-80% स्टॉक कम किया है। मैंने पहले ही सेल किया था क्योंकि ब्रांड वालों ने बोला कि हम प्राइस ड्रॉप करेंगे, आप प्राइस प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ सब ब्रांड वालों ने प्राइस प्रोटेक्शन दिया है। जितना लिमिटेड स्टॉक रहेगा और ज्यादा स्टॉक रहेगा तो कोई ब्रांड वाला नहीं देता है, उन्होंने भी प्राइस ड्रॉप किए हैं। ओके और सर मुझे एक ही पूछना था आपको, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये ओल्ड स्टॉक नहीं आपके पास, ये जो स्टॉक है नया स्टॉक है? न्यू स्टॉक ही मैं बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये आसूस का है, आप खुद देखिए MRP है 29,250, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर ईयर देखिए मार्च 2022, मतलब 2022 मार्च के अंदर आया हुआ है। इवन मैं बता रहा फरवरी तक का जो स्टॉक सेलर्स के पास पड़ा था उसको कंपनी वाले ने इंसेंटिव दिया है, ग्राफिक कार्ड का प्राइस ड्रॉप हुआ आपको प्रोटेक्शन दिया, लेकिन आपका जनवरी से स्टॉक होल्ड कर रहे हो या पुराना स्टॉक होल्ड कर रहे हो, जैसे बोल रहे हैं ना नीचे दबा के ग्राफिक कार्ड रखे, उनके लिए ब्रांड वालों ने सपोर्ट नहीं दिया। हमें तो भैया जोटेक ने भी दी है, गीगाबाइट ने दी है, इनो 3D, MSI, आसूस, एवरी ब्रांड ने मेरे पास जो स्टॉक पड़ा था लिमिटेड स्टॉक, ये नहीं कि 50-50 नंबर आपने रखा नहीं दिया, उन्होंने पहले ही इंटीमेट किया जितना आप बेच पाओगे उतना ही खरीदो। इसीलिए लास्ट मंथ भी आपको थोड़ा कम दिखा, लेकिन इस महीने में काफी ग्राफिक कार्ड कम स्टॉक मिल रहा है। ओके रीजन यही है कि प्राइस का वेरिएशन नहीं रखना ताकि कस्टमर के ऊपर ना पड़े। ओके सो नेक्स्ट हम आएंगे जोटेक के ऊपर, जोटेक का रहेगा आपको 40,000, जो ट्विन एड्ज करके बोलते हैं OC वाला, नॉन OC 38 में आता है लेकिन स्टॉक है नहीं है। गीगाबाइट का ईगल है वो 40,500 का, गीगाबाइट का ईगल OC आता है 42,500 का, गीगाबाइट का गेमिंग OC आपको 44,000 के अंदर मिल जाता है। गीगाबाइट का गेमिंग OC ट्रिपल फैन वाला ग्राफिक कार्ड रहता है। आसूस का भी इवन यही है, आसूस नेक्स्ट वीक के अंदर स्टॉक लाने वाला है, अभी आसूस का अंदर स्टॉक है नहीं। सो आसूस का भी प्राइसेस जो है आपको टफ गेमिंग का रहता है 42, लेकिन आप देख सकते हो आसूस का एक मॉडल आता है ROG सीरीज, ये देखिए आसूस का जो रॉक सीरीज का रहता है वो वाला आपको ग्राफिक कार्ड 41,000 के अंदर देखने को मिल जाता है 3060 का, लेकिन इसका ऑलरेडी शॉर्टेज है इसीलिए ये ग्राफिक कार्ड आपको 44,500-45,000 के अंदर मिल रहा है। अगर किसी को 3060 चाहिए रॉक सीरीज का 45,000 के अंदर, हम सिर्फ ग्राफिक कार्ड बिल्ड के साथ में हम आपको है ना 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। सो ये हो गया ब्रांड के। नेक्स्ट आते हैं हम 3060 Ti। भैया देखिए इनो 3D गैलेक्स गीगाबाइट जोटेक का ट्विन एड्ज बेसिक ड्यूल फैन वाला ग्राफिक कार्ड रहता है आपको 48,990 के अंदर रहता है। इवन आसूस का भी ड्यूल OC करके मॉडल है वो वाला ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है 48,990 के अंदर, लेकिन उनका जैसे टफ के अंदर जाओगे आपको 51,552 के अंदर मिलता है, लेकिन 3060 Ti के अंदर आप अगर MSI के अंदर वेंटस का लेओगे आपको 48,990 है, लेकिन नेक्स्ट जो आता है MSI का गेमिंग एक्स करके मॉडल रहता है जो 52,990 के अंदर रहता है। कभी वीडियो बनाएंगे फुर्सत के बाद में ट्विन एड्ज OC वेंटस गेमिंग एक्स के अंदर क्या डिफरेंट रहेगा, प्राइस जानने से बेटर क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या डिफरेंट है, आपको वो कितना VRAM को कूल रखने के लिए हीट सिंक क्वालिटी देता है, वो सब पता चलना है तो आप सेलर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि मैं हूँ। मेरे से अगर आप डिटेलली कॉन्टेक्ट करोगे, स्टोर पे विजिट करोगे या फिर फ्री टाइम में मैं जब रहूंगा व्हाट्सएप पे या फिर मेरे को
कॉल पे बताओगे तो मैं आपको डिटेलली बता पाऊंगा कि उस ग्राफिक कार्ड का बेसिकली डिफरेंट क्या रहता है। सो मैं आपको बता रहा हूँ 48990 के अंदर आपको सबके बेस वेरिएंट ड्यूल फैन ओसी वाला रहते हैं विद बिल्ड के साथ में 3000 रुपए का आपको स्पेशली डिस्काउंट मिलता है। लेकिन गेमिंग एक्स लेते हो आपको 52990 का है, आसूस का रॉग लेते हो 54990 का है, गीगाबाइट का गेमिंग ओसी लेते हो 53990 के अंदर मिल जाता है। जोटेक के अंदर भी ट्रिनिटी ओसी करके आता है, वो स्टॉक में है नहीं है, 55-56000 के अंदर मिल जाता है। लेकिन भैया मैं बताऊंगा, अगर आपका ग्राफिक कार्ड का नीड अभी नहीं है तो आप 2 महीना 1 महीना होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो कि यार मैं काम चला लूंगा मेरा GT710 या 750 या 1050 से, तो आप प्लीज अपग्रेड मत करना या कुछ भी मत करना। ओके सर, तो अभी हम लोगों ने 3060 और 3060 Ti के बारे में बताया, बट हम लोग बेसिक जो ग्राफिक कार्ड है जैसे कि 1660 सुपर हो गया, भूल ही गए थे एक्चुअली। बेसिक ग्राफिक कार्ड जो रहता है ना, कोर ग्राफिक कार्ड रहता है जिससे गेमर को स्टार्ट होता है। लोग बोलते हैं कि बेसिक ग्राफिक कार्ड 710 ले लो, 730 ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो सब ग्राफिक कार्ड से आपका गेम चलेगा ही नहीं। ओके, मिनिमम जो गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड आता था 1050 Ti, उसको कंपनी ने कर दिया परमानेंटली डिसकंटिन्यू। जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, बेसिक ग्राफिक कार्ड आज के डेट के अंदर है 6500 XT, सब बोल रहे थे, लेकिन मैं बताऊंगा अभी भी एनवीडिया का 1650 काफी क्रेज है। क्यों? ये 5 साल पहले लॉन्च हुआ है, 4 से 5 साल पहले, आज भी लोग इसको खरीद रहे हैं। DDR5 से इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके DDR6 निकाला, फिर भी लोग इसको खरीद रहे हैं। Okay. जैसे कि आपको इसका बेसिक ग्राफिक कार्ड स्टार्टिंग होता है 18990 रुपीज के अंदर, आपको कलरफुल या Inno3D ब्रांड के अंदर मिल जाता है। अगर MSI का लेते हो 19000 के अंदर, 19200 के अंदर मिल जाता है, 200-300 का फर्क है। लेकिन आसूस का ये वाला सीरीज अगर आप लेते हो टफ गेमिंग का, आपको 21800 रुपीज के अंदर आज भी मिल जाता है। इवन अगर पूरा PC बिल्ड कर दे तो आपको 1500 रुपए का हम आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देते। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड रहता है सर 1660 Ti या 1660 सुपर। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में मैं कितना भी बताऊं उतना कम है, क्योंकि यार कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले इस ग्राफिक कार्ड को सिर्फ यार 16000-17000 के अंदर खरीदने को मिल जाता था। आज के डेट में भी ये ग्राफिक कार्ड 1660 सुपर और Ti ऑलमोस्ट जोटेक Inno3D सभी ब्रांड्स का ग्राफिक कार्ड आपको 32000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस में मिल जाता है। इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि आपको वो चाहिए ये चाहिए, जोटेक मिलो, Inno3D मिलो, गीगाबाइट मिलो, कलरफुल मिलो, जो भी मिलो 32000 मैक्सिमम, और पूरा PC के साथ में आपको 1000 रुपए स्पेशल डिस्काउंट हम आपको दे देते हैं। 1660 ये हो गया। नेक्स्ट भैया अगर आप लेते हो तो 2060 ग्राफिक कार्ड है जो मार्केट से अभी खत्म करने वाला ब्रांड है, और 2060 को क्यों ले जब 3050 या 3060 इवन कम रेट में मिल जाएगा। फिर भी उस ग्राफिक कार्ड के बारे में बताऊंगा, क्यों? अपने टाइम के अंदर बहुत धूम मचाने वाला ग्राफिक कार्ड है, वो 35000 के अंदर मिल रहा है, इसीलिए उसको वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। 33 में 32 में भी मिल जाएगा, और भगवान करे थोड़े दिन और वेट करो तो वो 20000 के अंदर भी ग्राफिक कार्ड आ जाएगा। लेकिन उसका नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हम जाते हैं 3050 अगर आप लेते हो, गेमिंग ओसी करके आता है या जो भी ट्विन एक्स ओसी रहता है, ये गेमिंग है ड्यूल लेते हो आसूस के अंदर, इवन कोई ब्रांड का आप लेते हो, ईगल लेते हो, ऑलमोस्ट आपको 32-34 के बीच में मिल जाता है। लेकिन ट्रिपल फैन वेरिएंट आज भी इनका 34500 के अंदर है। आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में 5-10000 ब्रांड कम कर दे तो ठीक हो जाएगा। और ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, भैया आप प्लीज कमेंट में ये बताओ यार, एनवीडिया वालों आप सस्ते में दो AAB ब्रांड्स को और उनको डिस्काउंट पे बेचने के लिए बोलो, ताकि सेलर भी कम में बेचे। अभी आप महंगे में आ रहा तो मैं थोड़ी ना सस्ते में बेचूंगा, या सस्ते में आ रहा है तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के बेचूंगा। ये थोड़ी ना है कि 20000 में कार्ड आ गया 40000 में, अभी तो मार्केट पूरा मरा हुआ है, तो 1500 रुपए जो भी रख के सेलर बेच रहा है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये है कि एनवीडिया को प्राइसेस ड्रॉप करने हैं, नॉट AAB ब्रांड को। क्यों? एनवीडिया ड्रॉप किया, AAB अपने आप करेंगे, AAB सीधा सस्ते में मार्केट में लेके आ गया, सेलर्स अपने आप कम कर देंगे। और मैं आपको बता रहा, कुछ सेलर्स आपको ये भी डराएंगे यार प्राइस बढ़ने वाला है, भैया ये रेट में मिले तो खरीदना, नहीं तो थोड़ा दिन वेट करके खरीदना। कौन सी गंगा बह रही है कि आज का दुनिया खत्म हो रहा है, कल नहीं परसों खरीद लेना, कुछ महीनों के बाद में खरीद लेना, इतने साल वेट कर लिए। कुछ कमेंट मैंने मेरे चैनल पे भी देखा था, तो उसमें भी मैं बता रहा हूँ काफी अच्छे अच्छे बिल्ड बना रहा हूँ, तो आप भी जाके मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर देना ताकि मुझे भी बेनिफिट मिल सके। और डायरेक्ट आपके काफी कस्टमर भी आके बोल रहे हैं, भैया मैंने ओमकार भैया के चैनल से आके देखा। और मैं आपको बताऊंगा, काफी ओमकार भैया के बारे में नेगेटिविटी मार्केट में फैला रहे कि ओमकार भैया वैसा करता है ऐसा करता है। मैं बोल रहा हूँ वो कुछ भी तो करता तो है, तुम्हारी औकात खाली कमेंट करने की, यार ओमकार भैया गलत कर रहा है। और प्लीज ओमकार भैया जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हाँ, सेलर गलत कर रहे हैं, मेरे जैसे सेलर गलत कर सकता है, लेकिन ओमकार भैया को क्या घंटा फर्क पड़ता है, अपना टाइम लेके मुंबई से बैंगलोर, बैंगलोर से दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह घूम रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर एक सीधी बात बता रहा, मैं दुकान वाला क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ओमकार भैया का कोई प्राइस प्रोडक्ट वगैरह चाहिए सपोर्ट कर सकता हूँ, ओमकार भैया का घर थोड़ी ना मैं चलाऊंगा। हाँ, जलन हर जगह होती है, तो जलन जारी रखो और आपका काम आप करो। ओके चलो, अभी आते हैं 3070 के ऊपर। 3070 को ग्राफिक कार्ड को कंपनी का शॉर्टेज है, फिर भी मैं वीडियो में बताऊंगा 62000 के अंदर वो मिल रहा है खाली ग्राफिक कार्ड, पूरा बिल्ड के साथ में आपको 3000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आप 62 दोगे, पागल थोड़ी ना है, 3070 Ti ले ना, 3070
70 Ti आपको 67,000 के अंदर मैं जोटेक का ट्रिनिटी ओसी देता हूँ। आप देखिए चकमकाते हुए ग्राफिक कार्ड, 3 फैन है, काफी अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बहुत आरजीबी लगा दिया, सब कुछ कर दिया जोटेक वालों ने और रेट भी काफी सस्ता कर दिया 67,000। बिल्ड के साथ में कितना डिस्काउंट बोला भैया? 3,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट, मतलब 67 - 3 = 64 के अंदर पड़ जाता है। खाली ग्राफिक कार्ड नहीं दे पाते क्योंकि ये सब अटक जाते हैं, ये अटकने से वापस शॉर्टेज हो जाता है और मेरा तो इन्वेंट्री बढ़ जाता है। अगर हम लोग देखने जाए किशन सर, 3070 Ti कलरफुल में भी आ रहा है, तो कलरफुल में कुछ प्राइजेस कुछ और कम मिलेगा? कलरफुल में देखिए आपको दो मॉडल आते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक तो बेटालिक्स आता है, बेटालिक्स में भी आपको 3 फैन देखने को मिल जाता है और प्राइस पॉइंट भी अगर आप देखते हो 64 के अंदर आपको बेटालिक्स मिल जाता है 64,000 के अंदर। ह्यूज क्वांटिटी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ माइनस की वजह शॉर्टेज हो जाए, 1-2-4 कार्ड चाहिए हम आपको दे देंगे 64,000। बिल्ड के अंदर 3,000 रुपए डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट 3,000 रुपए ये ग्राफिक कार्ड का मिलेगा और ये 3 फैन वाला ग्राफिक कार्ड है। नेक्स्ट इसके अंदर आई गेम करके मॉडल आप देख सकते हो, आई गेम भी काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है जिसके अंदर आई गेम वाला लोगो भी रहता है, आई थिंक 3 फैन रहेगा, व्हाइट कलर दिखने वाला धासु ग्राफिक कार्ड है। हालांकि कुछ लोग कलरफुल को पसंद नहीं करते, हाँ क्यों पसंद करें भाई, नया ब्रांड है, MSI गीगाबाइट है ही ना, लेकिन प्राइस में लूट रहा है दूसरा ब्रांड तब इस लोग को पसंद करते हैं और परफॉर्मेंस काफी, कस्टमर्स का फीडबैक भी अच्छा है यार, कलरफुल भी काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड, आफ्टर ऑल चिप तो NVIDIA का, NVIDIA ही है। लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ भैया, कस्टमर्स क्या करते हैं, 3070 Ti के साथ में कोई भी बेसिक ब्रांड का गीगाबाइट आपको गोल्ड रेटेड का रहने दो या कोई भी ब्रांड का रहने दो, पावर सप्लाई नहीं लगाना है। 850 वाट्स का गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई लगाओ, आप 10 साल तक सिस्टम चलाओ कुछ भी नहीं होगा, आप यार 650 वाट्स का लगाओगे क्योंकि इसके ऊपर तो लिखा हुआ है 450 वाट्स बस है, खाली ग्राफिक कार्ड को 450 वाट्स या 250 वाट्स बस है, बाकी का कौन लगाएगा, आपका रैम कौन झेलेगा, आपका मदरबोर्ड कौन झेलेगा, मॉनिटर का आउटपुट के लिए डिस्प्ले कहां से आ जाएगा, और कंटिन्यूसली आप सिस्टम चलाओगे तो PSU तो फट होना ही है, अच्छा वाला पावर सप्लाई यूज करोगे 40 साल चलाओगे, तो ये ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा है। इसके अंदर आप ASUS का भी देख सकते हो, ASUS का मैं ग्राफिक कार्ड देता हूँ भैया 68,000 रुपीज के अंदर, ASUS का टफ एडिशन का ये रहता है स्पेशल बिल्ड के साथ में, और मैं आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ। इवन MSI का गेमिंग एक्स मॉडल है इसके अंदर भी स्पेशल प्राइस रहता है, 3070 Ti के अंदर अगर आप देखते हो तो 75,000-76,000 का इसका प्राइसिंग सेलिंग प्राइस है, 77 है सॉरी, गेमिंग एक्स का थोड़ा ड्रॉप करना है, आने वाले दिनों में ब्रांड ड्रॉप करेगा, लेकिन अभी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तब तक ये है, नेक्स्ट वीक में कुछ अगर स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्ड के साथ में करते हो तो मैं 72,000 के अंदर ये ग्राफिक कार्ड आपको दे सकता हूँ। लेकिन सबसे भारी भरकम सुपर ग्राफिक कार्ड जिसको बोल सकते हैं 3070 Ti Aorus मास्टर, ये रियल में मास्टर ग्राफिक कार्ड है, क्यों बताऊं, इसके अंदर भाई आप जो भी आपका लोगो रहने दो, गर्लफ्रेंड का नाम रहने दो, रहा नहीं जाता, बॉयफ्रेंड का नाम रहने दो या भगवान का नाम रहने दो, अपने फ्रेंड्स का नाम रहने दो या फिर मम्मी पापा का भी नाम आप लोगो में लगा सकते हो, ताकि क्या होता है जब भी आप PC देखो आपको अच्छे अच्छे ख्याल आए, अच्छे अच्छे सपने आए और अच्छे अच्छे इंस्पिरेशन मिले। ये Aorus वाले ने काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड के अंदर फ्यूचर निकाला है और साथ में Aorus या गेमिंग OC सीरीज के अंदर उन्होंने गेमर का ख्याल रखते हुए 4 साल वारंटी किया। इवन आप जोटेक का भी ग्राफिक कार्ड खरीदते हो 2 साल नॉर्मल वारंटी रहता है, अपग्रेड करने के बाद में 3 साल वारंटी रहता है, इन ग्राफिक कार्ड का 3 साल वारंटी रहता है, अपग्रेड करने के बाद में आपका वारंटी अपग्रेड हो जाता है। लेकिन आप कुछ ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको मैं बताऊंगा, देखिए आप 3070 Ti ये ग्राफिक कार्ड देख रहे हो, आपको ये कुछ कस्टमर के लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जिसको 5 डिस्प्ले कनेक्टिविटी करना है उसके लिए ये ठीक है, छठा करना है तो नहीं हो पाएगा इसमें, लेकिन 6 डिस्प्ले इसके अंदर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा ये बेटालिक्स है कि कोई भी ग्राफिक कार्ड रहने दो, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, हाँ यहाँ देख सकते हो 3 DP 1 HDMI, मतलब ये कनेक्टर हटा दिया तो 4 हो गए, और कुछ ब्रांड तो यार 3 ही लगाते हैं, तो उसके हिसाब से उनका कंपोनेंट का कॉस्ट थोड़ा सा वेरिएशन होता है, 1,000-1,500 का फर्क आ जाता है। लेकिन आई गेम के अंदर अगर आप देखते हो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, हम आपको खोल के भी दिखा देंगे, तो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर एक बड़ा स्कैम वाली भी बात बताऊंगा, जब भी आप ग्राफिक कार्ड खरीदते हो ग्राफिक कार्ड के बाहर के सीरियल नंबर और अंदर के सीरियल नंबर प्लीज वेरीफाई कर लेना, उसके बाद में क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख लेना भाई, नया से नया मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला चाहिए मेरे को, तो भाई ये नहीं है आप 2021 जनवरी का दे दो, फरवरी का दे दो, ये जून जुलाई का दे दो, इवन मैं बताऊंगा अगस्त तक का मत लेना, अगस्त के बाद के लेना। देखो इसके अंदर ये बेसिक सील रहती है, ये सील हर कोई लगा सकता है, कोई भी सेलर आपसे स्कैम कर सकता है, ये 2 रुपए के अंदर नहीं है, 2 रुपए के अंदर 20 सील मिल जाती है, इतनी कितनी 20 सीलें मिल जाती है, आप आराम से कोई सेलर लगा देता है, 1, 2, 3, 4 ही है। लेकिन और इसके अंदर एक क्या रहता है, जिनको ओवरक्लॉकिंग करना नहीं आता है उसको इजीली ओवरक्लॉक करना है, वो इजीली ओवरक्लॉक इसके अंदर कर सकते हो एक बटन दबा के, मतलब ग्राफिक कार्ड मैन्युअली आपको ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, इसके अंदर मैन्युअल करना है तो है ही है, सबको सब में मैन्युअल रहता है, लेकिन इन सीरीज में ऑटोमेटिक हो जाता है। सो जोटेक के अंदर भी काफी अच्छे प्रीमियम फीचर है, मैंने आपको बताई दिया। सो ओमकार भैया नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड आते हैं हम 3080 देखो भैया, ग्राफिक कार्ड का काफी क्रेज है क्योंकि यार आप इतने ग्राफिक कार्ड जो थे 2K के अंदर खत्म हो जाते हैं, 3060 Ti 1080p के लिए परफेक्ट है, 3070 Ti 2K के लिए, 3080 के अंदर होता है 4K गेमिंग, जिसको 4K 144Hz या 240Hz का मॉनिटर लगाना है, दासु गेमिंग करना है, 50-50 हजार वाले मॉनिटर यूज करना है तो ही ये ग्राफिक कार्ड ले, बेसिक भी कर सकते हो,
लेकिन अल्ट्रा लेजेंड गेमिंग करना है ये वाला काफी धासुक परफॉर्मेंस देगा। नहीं तो फिर आप एडिटिंग या जो भी एआई मशीन वगैरह के लिए बनाते तो आप बना सकते हो। चलो प्राइस स्टार्ट करते हैं। 3080 टीआई ग्राफिक कार्ड से पहले आता है 3080, जिसके अंदर दो वेरियंट आता है। रिसेंट प्रीवियसली आता था 10 GB, अभी उन्होंने अपग्रेड किया है 12 GB के हिसाब से। 12 GB का अगर आप ग्राफिक कार्ड लेते हो, थोड़ा बहुत प्राइस हाइक है इसलिए मैं 10 GB का ही बताऊंगा। 10 GB 3080 ग्राफिक कार्ड अगर आप लेते हो MSI के अंदर आपको 85,000 के अंदर मिल जाता है। इवन जोटेक का ट्रिनिटी OC करके आता है वो भी आपको 85,000 के अंदर मिल जाता है। इनके अंदर गेमिंग एक्स करके रहता है वो अभी भी आपको 93,000 के अंदर मिलता है। उनके अंदर एम होलो ब्लैक करके आता है वो भी आपको 92-93 में मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम गीगाबाइट ब्रांड के अंदर। गीगाबाइट का अगर आप 3080 लेते हो, आप देख सकते हो गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड ऐसे रखा है, छुए रखा दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ 3080 ग्राफिक कार्ड लेते हो जो 12 GB वेरियंट है मेरे पास, अगर 12 GB वाला ग्राफिक कार्ड आप लेते हो 3080 के अंदर, आपको 1,05,000 से 7,000 के अंदर अभी भी गीगाबाइट का मिल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ प्राइसेस कम हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीधा 3080 टीआई ग्राफिक कार्ड। 3080 टीआई ग्राफिक कार्ड आपको 1,30,000 के अंदर मिल जाता है। इवन बिल्ड करते हो आपको 5,000 रुपए के अंदर हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, मतलब 1,25,000 के अंदर 3080 टीआई गेमिंग ओसी 4 साल वारंटी के साथ में मिल जाता है। इवन जोटैक वगैरह लेते हो 2,000-4,000 कम हो जाएगा प्राइस। मैंने स्टॉक आपको भी बताया था, स्टॉकिंग नहीं कर रहे, रीजन न्यू डे न्यू प्राइस, एवरी डे प्राइस चेंज। ड्रॉप भी हो सकता है, हाइक भी हो सकता है, हाइक तो होने चांसेस नहीं है, ड्रॉप के वजह से स्टॉक कैरी नहीं कर रहे। लेकिन आते हैं नेक्स्ट सबसे प्रीमियम सबसे पसंदीदा ग्राफिक कार्ड MSI की तरफ से आने वाला गेमिंग एक्स। इसके अंदर सुप्रीम एक्स भी आता है, 1,42,000 के अंदर सुप्रीम एक्स रहता है, गेमिंग एक्स रहता है आपको 1,35,000 के अंदर पूरा बिल्ड के साथ में, 5,000 अगेन स्पेशल डिस्काउंट रहता है। नेक्स्ट आता है ऑरस मास्टर। ये रहता है यार वन ऑफ द बेस्ट। रिसेंट आपका 2 दिन पहले वीडियो भी आया था, उसके अंदर यही ग्राफिक कार्ड यूज किया था। आज का रेट 1,45,000 मतलब 1,45,000 हो गया इस ग्राफिक कार्ड का। लेकिन इसके अंदर अगेन धासु फीचर्स मैंने बोला था ना, सब फीचर्स इसके अंदर, बहुत सारे फीचर्स, मजा ले सकते हो इस ग्राफिक कार्ड के साथ में। 3090 को बिल्कुल भी हमने स्टॉक नहीं रखा क्योंकि यार 2,30,000 से सीधा 1,60,000, 62,000, 65,000 के अंदर आके पड़ गया, और भी ड्रॉप हो सकता है। क्यों स्टॉक कैरी करे, क्यों 50,000 का नुकसान करे? थोड़ा नुकसान हम करेंगे, थोड़ा नुकसान आपको चलाएंगे, उससे बेटर जॉब चाहिए होगा तब मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देना, या मेरा चैनल SCL गेमिंग है वो भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप भी नए नए अपडेट देखते रहो। मैं सबसे पहले बोलूंगा ओमकार भैया के फॉलोअर्स और फैंस को, यार इतना सपोर्ट कर रहे हो, और ओमकार भैया आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप चलो हम आपके साथ हैं। हम आपको यही बोल रहे हैं, जो भी आपको बोला है वो ग्राफिक कार्ड आपको स्टॉक मिलेगा जरूर। इवन मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना। हाँ आपको ये भी बताऊंगा, व्हाट्सएप पे थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आएगा लेकिन एंड ऑफ द डे तक रिस्पॉन्स आएगा। क्यों? ओमकार भैया आप भी सुबह से आए थे, कितना रश था, अभी मैंने कस्टमर्स को सर कल होगा करके बोल के आपका वीडियो रिकॉर्ड किया। क्यों? आपने कम से कम 1,200 से 1,300 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हो, मुझे तो उतना तो रिस्पॉन्स बनता ही है। मैं ये बोलूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट डील प्राइस मैं व्हाट्सएप पे जरूर रिप्लाई करूंगा। हाँ मेरा वेबसाइट अभी थोड़ा सा डाउन किया हुआ है, रीजन ये सब रायता फैला हुआ है मार्केट के अंदर कि यार ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस ड्रॉप है, तो मैं स्टॉक इन्वेंटरी नहीं रखूंगा, तो सब आउट ऑफ स्टॉक रखने से बेटर वेबसाइट डाउन। नेक्स्ट वीक के अंदर लाइव आएंगे जब प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे, तभी भी वेबसाइट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपको अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए, या फिर डायरेक्ट अगर आप बैंगलोर में रहते हो या कोई भी सिटी से मेरा स्टोर पे विजिट कर सकते हो। मैं आपको फाइनली बोलूंगा एक ही बात है, कोई भी दुकानदार लॉस नहीं करेगा, मैं भी प्रॉफिट रखता हूँ, लेकिन बिजनेस के एथिक्स के हिसाब से मैं प्रॉफिट रखूंगा और ओरिजिनल आइटम ही दूंगा। इवन सब प्रोडक्ट आप खरीदोगे मेरे से ब्रांड मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट में जाके आप चेक कर लेना। तो वीडियो एंड कर रहा हूँ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच किशन सर, ये था पूरा वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।